हेलो एवरीवन, हियर इज कविता। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके एज अ रिक्वेस्ट उन्होंने बोला है कि प्लीज़ दीदी आप इसके लिए वीडियो बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा। अदरवाइज़ ये वीडियो मैंने अभी अपलोड करने के लिए नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि काफ़ी टाइम जब मेरे चैनल को हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करूँगी, मतलब इस टाइप की वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा स्ट्रगल यूट्यूब पर बहुत अच्छा खासा लंबा रहा है और अभी भी मेरा इवन स्ट्रगल चल ही रहा है। बिल्कुल भी अभी कोई सक्सेस मुझे हासिल नहीं हुई। हाँ, बट रिसेंटली मेरी कुछ वीडियो वायरल गई है जिनका मैं आप लोगों को यहाँ पे इमेज डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो जो मेरी वीडियो वायरल गई है, 2 मिलियन इसने क्रॉस कर दिया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख क्रॉस कर दिया है व्यूज़ ने। तो थैंक यू सो मच पहले तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो वो कैसे हुआ है मैं वो आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रही हूँ। तो बहुत शॉर्ट में ये वीडियो रखूँगी, आई होप कि आप लोगों को उससे हेल्प मिलेगी। अगर एंड तक आप देखिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो लगेगा कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल था, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट हर एक मेरी वीडियो पे करें, आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ भी वर्ड एवर, लेकिन आप कमेंट करें, क्योंकि मुझे उससे पता चलता है कि मेरे वीडियो में अच्छी बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ, मुझे कंटिन्यू करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ भी करना है आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो यस गाइज, आप भी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को ऐसे 5 हैक्स बताऊंगी, यस 5 हैक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आपकी वीडियो को बहुत जल्द टाइम में वायरल भी कर देगा, उस पर व्यूज़ भी आने शुरू हो जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपको लाइक्स भी मिलेंगे। ऑल्सो गाइज, आपका जो यूट्यूब का चैनल है उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा सिर्फ मेरे 5 हैक्स से। तो हैक नंबर 1 है, सो यस गाइज, जो हैक नंबर 1 है वो है वीडियो क्वालिटी। यस, वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपकी वीडियो को इंगेज करने के लिए, कि लोग उस पर आए, विजिट करें और आपके चैनल को देखें। आई नो कि अगर आप लोग नए हैं तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप लोग यू नो रिंग लाइट नहीं ले सकते या हैवी लाइट्स नहीं ले सकते हैं। अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कुछ हिंट है मेरे पास, आई होप कि आप लोगों को वो अच्छा भी लगेगा। तो गाइज, अगर अपना आपका फ़ोन का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को कैप्चर नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना है ना, आपको इंडोर शूट नहीं करना है, आपको आउटडोर शूट करना है। आउटडोर शूट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके घर से बाहर कहीं जाके शूट करना है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही। जहाँ भी, जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरा ये रूम है, तो मेरे इस रूम पे एक मेरा विंडो साइड होता है, एक टेरेस साइड होता है, ठीक है, और एक आउटसाइड होता है। तो आपके घर में भी सेम ऐसी कोई ना कोई ज़रूर जगह होगी, या तो आप विंडो की साइड जाइए जहाँ पे सनलाइट आती हो, क्योंकि सनलाइट से अच्छी वीडियो कहीं भी आपको नहीं शूट हो सकती। अगर आपका महंगा फ़ोन नहीं है, मतलब आपके फ़ोन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके पास रिंग लाइट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप या तो विंडो के पास जाके वीडियो शूट करें, या टेरेस पे करें, या आप आउटडोर भी कर सकते हैं। इस टोटल कॉल योर्स कि आपको कौन सी जगह सूटेबल होती है वीडियो शूट करने के लिए। एंड सेकेंडली गाइज, आप ज़्यादा भी वीडियो पे फिल्टर ना लगाएं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो बना रखी है, अब गाइज अगर मैं ये वीडियो की एडिटिंग करने के लिए जाती हूँ और अगर मैं इसमें इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊँगी या कलर करेक्शन या मैं सीसी कुछ भी इसमें एडिट करूँगी, तो इसका जो क्वालिटी है वो घट जाएगा। ठीक है, आप जब वीडियो बनाते हो तब उसका क्वालिटी कुछ और होता है, फिर जब आप उसको किसी ऐप से एडिट करते हो तो उसका क्वालिटी थोड़ा सा घट जाता है, फिर जब आप उसको यूट्यूब पे वापस से अपलोड करते हो गाइस तब भी उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो ये तीनों चीज़ करते करते ना, अगर आपकी क्वालिटी मान लीजिए 100% है तो 50% पे कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल भी अपनी वीडियो में फिल्टर का यूज़ ना करें, आपको चाहिए थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। और मैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन दे रही हूँ गाइस, आप सनलाइट पे वीडियो अपना शूट कीजिए, आप खुद देखिएगा कि आपकी वीडियो क्वालिटी में कितना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, ये आपको खुद लाइव दिख जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकंड गाइस कंटेंट की बात कर लेते हैं। अभी आप बोलेंगे कंटेंट क्या, सबको पता होगा कि कंटेंट एक्चुअल में कहते किसे, बट एक्चुअली कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता, तो मैं आपको बताती हूँ अभी कंटेंट कैसा होता है गाइस। आप जैसे आप मेरे चैनल पे जाइए तो आपको मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो वीडियो मिलेगी वो आपको रिव्यू वीडियो मिलेगी क्लोथ के ऊपर। यही मेरा कंटेंट है कि मैं रिव्यू वीडियो बनाती हूँ, और सबसे ज़्यादा रिव्यू वीडियो मैं कपड़े के ऊपर बनाती हूँ। अभी मेरा रिव्यू वीडियो का चैनल हो चुका है। हाँ, मैं कुछ कुछ बीच में मैंने अपना लाइफ से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें डाल दी होंगी, इट्स वेरी ऑर्गेनिक, वो आप भी डाल सकते हैं, बहुत नेचुरल चीज़ है वो
वो आप डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स डाल सकते हैं, लेकिन पहले गाइज आपको ना सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो आप सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही उसमें वीडियो डालें। अगर आप एज अ लिपसिंग का कोई वीडियो डाल रहे हैं तो आप सिर्फ उसमें लिपसिंग का ही वीडियो डालें। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू डाल रहे हो तो प्रोडक्ट के रिव्यू का ही वीडियो डालिए। और ऑल्सो गाइज कुछ भी आप ले सकते हैं, मतलब कुकिंग से रिलेटेड वीडियो डाल रहे तो कुकिंग से रिलेटेड ही वीडियो डालिए। एक कंटेंट होना चाहिए, जब आप एक कंटेंट पर ही वीडियो डालेंगे तब बहुत ज़्यादा लोग आपके चैनल पे इंगेज्ड होते हैं, विजिट करते हैं। क्योंकि जो यूट्यूब होता है ना गाइस, आप जिस कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं ना वो उसी टाइप के लोगों को रिकमेंडेड करता है जहाँ से लोग, अगर लोगों को आपकी वीडियो एज अ व्यूअर्स एज अ पब्लिक मुझे आपकी वीडियो पसंद आएगी तो मैं आपके चैनल पर विजिट करूँगी। बट मैं देखूँ कभी आपने कुछ वीडियो डाल रखी है, कभी कुछ डाल रखी है, कभी कुछ डाल रखी है, तो मैं बिल्कुल भी आपसे मतलब कनेक्ट होंगी नहीं। मुझे जो वीडियो पसंद है कि वो मैं देखूंगी, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिक सी बात है कि आपको एक कंटेंट पे ही वीडियो डालनी है, आपको आप कुछ और नहीं करना। आपको जो भी एक कंटेंट चाहिए उस पर आप कंटिन्यू अपनी वीडियो डालो, आपको कहीं कुछ और एक्स्ट्रा डालने का जरूरत ही नहीं है। अब वो है गाइज आपकी वीडियो एडिटिंग। यस, अब जैसे रैंडमली मैंने ये इतनी लंबी वीडियो एडिट कर ली है, मतलब शूट कर ली है, सॉरी मैंने शूट कर लिया, इसमें बहुत सारी चीजें गलत हो गई, जैसे भी मैंने आपको बोला सॉरी एडिट कर लिए, शूट कर लिए, तो अभी क्या करना है गाइस, मुझे वीडियो एडिटिंग में जाना है और वो चीज़ को स्लिप मार मार के मुझे एक प्रॉपर एक वीडियो बनानी है। कोशिश करें कि आप अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाएं। जब आप अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनाते हैं तो लोग आपकी वीडियो को स्किप करके देखते हैं और कभी कभार तो देखते ही नहीं, क्योंकि यूट्यूबर भरा पड़ा है यू नो वीडियो से। आपको किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपकी जो वीडियो है शॉर्ट हो और अच्छी एडिट हो, ताकि लोगों को भी देखने में उसमें मज़ा आए, जो कि मैं अभी सीख रही हूँ और भी मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी धीरे धीरे, बट मैंने मेरी पहली गलतियों से अभी सीखा है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर कैसे वीडियो पहले एडिट करती थी, कुछ भी डाल देती थी, और यहाँ पर मैं अब कैसे एडिट करने लगी हूँ वीडियो को। तो दोनों में डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैंने मेरी व्यूज़ में इम्प्रूवमेंट देखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर व्यूज़ सिर्फ 50-60 आ रहे हैं और यहाँ पर मेरे 300-400 आ रहे हैं, जो कि अभी 15 दिन भी नहीं हुआ, मतलब 10 ही दिन हुआ है और इसी में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गए हैं मेरे एज अ व्यूज में। तो ये गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है एडिटिंग। यस, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं एक साड़ी का वीडियो बना रही हूँ तो मुझे उसकी इमेज डालना होगा, उसका ट्रायल डालना होगा, तो ये आपको भी करना पड़ेगा कि आप कौन सा वीडियो बना रहे हैं उसका आपको इमेज डालना है, उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है, उसके बारे में आपको सारी ही डिटेल आपकी स्क्रीन पर आपको मेंशन करना चाहिए। और हैक में आप लोगों के साथ यूज कर रही हूँ वो होता है इसका थंबल पेज। यस, थंबल पेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी वीडियो पे बंदे विजिट करें, आपके चैनल पे जाके देखें, उसके लिए आपका थंबल पेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोले तो गाइस ऐसी चीज़ें जो आपकी वीडियो पे ना ऐसे एकदम ऐसे करके ना चेंजेस आप लोगों को नजर आएंगे विद इन 1 मंथ के अंदर। अगर आप ये मेरे 5 हैक यूज़ कर लेंगे तो आपको आपके चैनल पे ऑटोमेटिकली आपको यू नो रिजल्ट मिल जाएंगे, आई एम डैम श्योर। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है, आप जब भी मेरी चीज अप्लाई करेंगे अपनी वीडियो पे उससे पहले का स्क्रीनशॉट ले लें, सेम 1 मंथ के बाद का आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद देखिएगा कि आपको कितने ज्यादा चेंजेस नजर आए हैं आपकी वीडियो के अंदर, आपके प्रोफाइल के अंदर, आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। सो गाइस यहाँ मैं बात कर रही थी थंबल पेज की। यस, जो आप उसे कवर भी कह सकते हैं जो पेज का, या प्रोफाइल पिक भी कह सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी कह सकते हैं, हर बंदा अलग अलग इसको बोलता है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो अभी आप थंबल पेज के बारे में क्या, जैसे गाइज मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, तो अगर मैं वीडियो डायरेक्टली ऐसे अपलोड कर दूंगी तो ज़्यादातर लोग ना गाइज जो देखते हैं वही चीज़ को, मतलब जो उनको दिखेगा तभी वो उसमें एंटर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात कर रही हूँ एज अ ऑडियंस है आप, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ। आप मार्केट में जाते हो, जो चीज़ आपको देखने में अच्छी लगती है आप उसको ही बाय करते हो, राइट। आप अगर ऑनलाइन भी बैठो, अगर आप स्विगी से मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर आप स्विगी पे गाइस कुछ ऑर्डर करो तो पहले आप उसका थंबल पेज ही देखते हो कि वो छोले भटूरे मंगा रहे हो, समोसे मंगा रहे हो, कचौड़ी मंगा रहे हो, एज अ इमेज वो कैसा दिख रहा है, उसके बाद ही आप उसको ऑर्डर करते हो अगर आपको एज अ इमेज अच्छा लगता है, ठीक। वैसे ही सेम गाइस आपकी वीडियो भी कोई जब ही देखेगा जब उसको उसका मतलब जो थंबल पेज होता है वो अच्छा लगता है। जैसे मैं एज अ रिव्यू वीडियो बना रही हूँ तो मैं गाइज मेरे उसके अंदर जो जो प्रोडक्ट होते हैं मैं उस सबका पिक्चर डाल देती हूँ और ऐसे एक टाइटल सब टाइटल भी लिख देती हूँ कि मीशो की साड़ी है या वेडिंग सूट है या पाकिस्तानी सूट है, मैं इस टाइप की चीज़ करनी मैंने शुरू कर दी है और डिफरेंस मुझे 5-6 दिन में दिख गया है। मैं ज़्यादा दिन आज से क्यों ही बोलूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ पहले का मेरा वीडियो का जिसका कोई थंबल पेज नहीं होता था,
उस पर कितने व्यूज आए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको डाल दूंगी कि मैंने अब जब चेंजेस कर दिए तो उस पर कितने अच्छे व्यूज आने मेरे शुरू हो गए। यस एंड यस गाइज, और जो हैशटैग या हैक आप इसको बोल सकते हो, जो मेरा 5 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आपने ये यूज़ कर लिया ना तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ आने से कोई नहीं रोक सकता। इवन व्यूज़, लाइक, लोग, आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे इस हैक से। अब वो क्या है गाइज, वो ये है कि आपको एक तो हैशटैग डालना है, ठीक है, दूसरा जो गाने ट्रेंड पे चल रहे होते हैं ना, आपको वो गाने पर ही अपना वीडियो अपलोड करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ गाइज, जो अभी रिसेंटली मेरी जिस वीडियो ने मिलियंस पे व्यूज क्रॉस किए हैं और उसके आई थिंक लाइक्स कुछ 60-70 हज़ार उसके लाइक्स आए हैं, वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा आए हैं, वो प्रोडक्ट की वजह से नहीं आए, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल रखे। लेकिन वही वीडियो क्यों वायरल हुई, क्योंकि उसमें गाइज जो मैंने गाना यूज़ किया था, आप, मैं बोल नहीं सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा, आप लोग मेरे जाके पॉपुलर पे टच कीजिएगा शॉर्ट्स पे, वहाँ पे आपको उस सॉन्ग का गाना दिख जाएगा, वो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने उस पर मतलब उस मतलब जो उसका वॉइस था, जो गाने का जो म्यूज़िक था, मैंने उस म्यूज़िक पे अपना डाला, ये वीडियो अपलोड किया, इस वजह से वो वीडियो मेरी ट्रेंडिंग पे चली गई और लोगों ने इस पे यू नो एंटर लेना शुरू किया, उसके व्यूज़ बढ़ते चले गए। उसी वजह से सिर्फ मेरे 4,000 सब्सक्राइबर सिर्फ एक दिन में बढ़ गए। यस, पहले मेरे 3,000 सब्सक्राइबर थे, बट आज मेरे 9,000 सब्सक्राइबर है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रिक की वजह से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एंड गाइस, सेकेंडली हैशटैग। यस, अब हैशटैग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी हैशटैग डाल देंगे, हैशटैग का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि आपके मन पे आया तो आपने ये हैशटैग डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको हैशटैग कौन से डालने हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं वीडियो में आपको अपना वीडियो का एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे मैं वीडियो क्लोथ्स के ऊपर बना रही हूँ तो मैंने हैशटैग क्लोथ्स डाल दिए, मैंने सूट के ऊपर वीडियो बनाई तो मैंने हैशटैग सूट उसमें ज़रूर मेंशन किया, मैंने पाकिस्तानी सूट के ऊपर बनाया तो हैशटैग पाकिस्तानी सूट, हैशटैग मीशो हॉल, हैशटैग 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 गाइस बहुत ज़रूरी होता है। कि जब आप भी गाइस, अगर आप लोगों को भी कुछ चाहिए होता है तो आप जाके गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च मारते हो ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो होती है जो हैशटैग पे होती है, जो सबटाइटल में होती है, सब आपके सामने मेंशन हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैशटैग और ये जो सॉन्ग ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, आपकी वीडियो डेफिनेटली वायरल होगी। आई एम डैम श्योर, मेरी ये 5-6 ट्रिक आप बस अगर यूज़ कर लिया ना आप लोगों ने एग्जैक्टली वैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपकी वीडियो पॉपुलर होगी और कोई नहीं रोक सकता आपको पॉपुलर होने से। ओके, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।